हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये है मेरी रॉयल एनफील्ड मेट्योर मैट ब्लैक, जो मुझे मिली थी 23 जून को। एंड काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी रिफाइंड है। इसकी मैंने फर्स्ट सर्विस जो हुई थी 500 किलोमीटर पे, वो मैंने कराई थी 4 अगस्त को। एंड तब तक ये बाइक बहुत ही सही चल रही थी, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे कुछ इश्यूज फेस करने पड़े हैं। एंड मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर कंपनी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, इतना रिफाइंड इंजन है, तो मैं सोचता हूँ कि जो उनकी सर्विस एजेंसी है या उनके इंजीनियर्स हैं या सर्विस पर्सन्स हैं, वो भी उस हिसाब से ट्रेन किए जाने चाहिए थे रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बट आइए आपको बताता हूँ इश्यूज़ जो मैंने फेस किए हैं। ये आप देख सकते हैं, ऑयल फर्स्ट सर्विस के बाद से ऑयल लीक हो रहा है, एंड पता नहीं क्यों, होना नहीं चाहिए था। मैं बाइक को एजेंसी भी लेके गया था, तो उन्होंने पहले तो एक बार वॉश करके मुझे बाइक वापस दे दी कि शायद थोड़ा बहुत तेल रह गया होगा यहाँ पर, इसीलिए आपको यहाँ तेल दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक दो दिन बाइक चलाई, बट फिर से वही प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। एंड मैं फिर से बाइक एजेंसी लेके गया, और फिर उन्होंने बोला कि कोई वॉल्व की प्रॉब्लम है, एंड वॉल्व हमारे पास है नहीं, एंड आप वेट कीजिए, हम मंगवा देंगे, 7-8 दिन तक वॉल्व आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये इशू नहीं होना चाहिए था, एंड अगर हो भी गया तो जो ये वॉल्व की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी और पार्ट है, ये ऑलरेडी इनके पास होना चाहिए, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नया इंजन है, एंड यही इंजन आने वाली आ रही की बाइक्स में, क्लासिक में आने वाला है, तो ये इश्यूज नहीं होने चाहिए। एंड अभी दोबारा मैं अपनी बाइक को एजेंसी में लेके जाऊंगा, एंड फिर देखते हैं ये इशू सॉल्व हो पाता है कि नहीं, एंड उस हिसाब से फिर मैं दोबारा आपको अपडेट करूंगा। बट यस, मैं कह सकता हूं कि इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।